Yun. अरे ये सब तुम क्यों बदतमीज गए क्या? रुको बताती हूँ। कहाँ भली कहाँ? अरे यार बड़ा गड़बड़ हो गया। कहाँ भली? वीडियो देख के एक्शन मारे तो इस सर्वा एक्शन की एक्शन कर गए। मैडम यहाँ पता क्या मतलब मजे लुक कर अरे धर्मेंद्र कहाँ है? अरे मैडम धर्मेंद्र कहाँ? धर्मेंद्र यहाँ नहीं आया है। हाँ नहीं आया है तो कहाँ गया? अब हमको नहीं पता मैडम, हमका अपना काम करने दीजिए। अबे साले पढ़ने दीजिए। अरे कौन सा काम कर रहे? देख रहे हो क्या करके आया है? क्या है मेरी हालत क्या है? ये नहीं छोड़ूंगा। मैडम जी ये गलती हो गई, मैडम जी माफ कर दीजिए। गलती हो गई मैडम जी? तुमको कुछ समझ में आया ये क्या किए तुम? मैंने नोटबुक लिया था, नोटबुक भीग गई, मैं भीग गई, ये चश्मा मेरा भीग गया। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? किए क्या हो तुम? अरे सॉरी मैडम, वो वीडियो देख के एक्शन मारने लग निकले हैं, उस अलग एक्शन हो गया मैडम जी, गलती हो गया। वीडियो देख के कोई काम नहीं करेगा मैं। वीडियो देख के? जी मैडम जी, जी गलती हो गई मैडम जी। तुमको बताते हैं चलो। अब देख तू गलती हो गई है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये जोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये मैडम गलती हो गई माफ कर दीजिए। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि टीचर के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं की जाती है। अरे मैडम हम वीडियो देखे, हम सोचे आपको बचा लेंगे छाता से, लेकिन वो गड़बड़ हो गया है मैडम। आसिकी कर रहे हो तुम? नहीं मैडम वो एक्सपेरिमेंट था। मार तो तुमको खाना ही है। अरे मैडम बख्श दीजिए। नहीं मार तो तुमको, मार तो तुमको खाना पड़ेगा। चलो इसे करो। अरे मैडम, अबे साले। अरे मैडम नाजुक 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 से कुछ नहीं है ये, मार तो बेटा तुमको। आज तुम मार नहीं खाओगे तो कल तुम फिर वही गलती करोगे। नहीं करेंगे मैडम जी, नहीं करेंगे। और तुमको देख के तो ये सब भी बिगड़ जाएंगे कि वो मार नहीं खाया है। अच्छा ठीक है मैडम, लेकिन हम गलती नहीं की, हम सोचे बचा लेंगे मैडम जी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। बस 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 मैडम, मार खोपड़ी उड़ा देंगे तुम्हारा। ऐसी गलती नहीं होगी मैम, सॉरी मैम। बैठो। चलो बच्चों नाउन की परिभाषा लिख के दिखाओ। डेफिनेशन ऑफ नाउन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ओए अरे मैडम जी कहाँ खो गए थे? जी कहीं 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 नहीं मैडम जी। अभी अभी तुम मार खाए हो, लेकिन तुम एकदम से कुत्ते की दुम हो गए हो। अरे मैडम पता नहीं कहाँ खो गया था जी, अभी लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ मैडम। किसकी परिभाषा लिखना मैडम? अरे नाउन की, नाउन की। जी मैडम नाउन। जी मैडम नाउन अभी लिख देगा मैडम, आप बैठिए, खड़े रहेंगे तो नहीं लिख पाऊंगा मैडम। अरे साले तुरंत लिख के दिखाओ। और सब इन सब का तो सही, इसका तो सही है, इन सब का गलत भी होगा तो इनको नहीं मारूंगे, तो तुमको तो मारूंगी आज पक्का। तुमको इसीलिए मारी थी। मैं 100% सही लिखूंगा मैडम जी। चलो जी।
अरे बदतमीज धर्मेंद्र। जी मैडम। हुआ कि नहीं तुम्हारा? अरे मैडम हो गया, आके देख लीजिए। नाउन, नाउन वह महिला होती है जिसकी जरूरत हर शादी में पड़ती है। पंडित जी से भी ज्यादा काम शादी ब्याह में नाउन ही करती है। अबे साले, दूल्हे के नाखून काटने से लेकर पैर रंगने तक का सारा काम नाउन के जिम्मे होता है। अगर शादी में नाउन ना हो तो शादी कभी संपन्न ही ना हो। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शादी के लिए नाउन सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। शाबाश बेटा। रे बेवकूफ, गलत हो गया काम मैडम जी। पहले तो मैं कही थी इसको इंग्लिश में लिखने के लिए। जी जी मैडम, इंग्लिश कम आ गई है तो। और उसके बाद मैं तुमको ये गांव वाली नाउन की बात की थी। नाउन उसी को कहते ना मैडम जी। अरे भाई, अरे बहुत भक्तों ना रहे, ये गांव वाली नाउन के समझ लेने रहे। अरे एन ओ यू एन का मतलब क्या होता, कौन सी नाउन होती है? एन ओ यू एन, इस नाउन का कौन सा मतलब होता है? इसका मतलब होता है संज्ञा। अच्छा मैडम, आपके ऊपर लिखना था। रुकिए हम फिर से लिखते हैं, इससे अच्छा लिखते। अरे मेरे ऊपर नहीं लिखना था। गधे, गधे। आओ आओ तू डंडा लगाइए। अरे नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा हमें मैडम ना संज्ञा है कि और कठ संज्ञा है? अबे साले, मैडम समझाइए इसको, हम तो नहीं समझा पाएंगे। अरे बेवकूफ, संज्ञा होता है नाउन का मतलब। अरे तो मैडम संज्ञा आप ही ना संज्ञा है मैडम जी। अरे मैं इस संज्ञा की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैडम और कोई संज्ञा को मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ आप ही को जानता हूँ। अरे समझाओ यार, अरे तुम सब दिनेश, तुम सब समझाओ यार, हीरा तुम समझाओ इसको। हम नहीं समझा पाएंगे इसको, कौन मार खाने जाएगा? मैडम जी तर सब आप ही के ऊपर लिखना है ना। अरे मेरे ऊपर नहीं लिखना है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैडम जी। नाउन पे तो नाउन पे लिखे, तो आप नाउन पे मारने लगे हैं। अब कह रही संज्ञा, तो संज्ञा तो आप ही को मैं खाली बस जानता हूँ संज्ञा मैडम बस। अरे मेरे बारे में क्या लिखोगे? अरे मैडम आपके बारे में तो पूरा एक पन्ना भर दे, एक पूरा एक कापी भर दे मैडम। संज्ञा के बारे में तुम एक कापी भर के लिख दोगे? जी मैडम, संज्ञा मैडम बहुत खूबसूरत है, बहुत आर्ट है, बहुत कुछ लिख सकते हैं मैडम। तुमको लिखती हूँ, यही सब देखने आते हो? तुम समझाओ, समझाओ इसको। अरे सारे पगला, अरे भक्त नारा, नाउन वो संज्ञा नहीं है। नाउन वो संज्ञा श्रेणी में आता है जिसमें वस्तुएं किसी स्थान को और किसी व्यक्ति को, हाँ व्यक्ति को कहते हैं, उसी को नाउन कहते हैं। किसी जाति व्यक्ति वस्तु है। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तुमको हिंदी में लिखना चाहिए था, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दो लाइन में हो गया होता, उसी श्रेणी में आता। गधे, एक किताब भर के लिखने की बात कर रहे थे। संज्ञा के पीछे पड़ा मैडम जी, भेजा मैं ना घुसा था मैडम जी, फिर से पढ़ के आया था मैडम जी। बेवकूफ, मैं पागल हो जाऊंगी तुमको पढ़ाते पढ़ाते। निकाल ना काट के। ठीक है, बात कुछ नहीं पढ़ाऊंगी आज, तुम लोग मेरा एकदम दिमाग खा गए हो। कल, अब कल पढ़ाऊंगी, अब कल तुम सब फीस लेके आना, सब फीस लेके आओगे वरना सब को मार मार के क्लास के बाहर कर दूंगी। ठीक है मैडम। घर में पढ़ा दी तो संज्ञा की संज्ञा देंगे।
बच्चों जी मैम, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। अच्छा, फीस सभी लोग लाए हैं ना? जी मैम, जी जी जी। चलो अच्छा है कि तुम लोग फीस लाए हो, नहीं तो आज तो तुम लोगों की खैर नहीं थी। चलो फीस दो। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलो बच्चों, आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे।